Manik Manik, your teacher of English, and I will continue the page number 103 from your literature section. I know we are going to finish. हम लोग इसे finish करने जा रहे हैं आपकी literature book को, and that is a good thing. You can revise this book or this so many chapters from this book. सो मैंने टाइम्स मतलब 2 to 3 times तो हम लोग अपनी रिविजन कर ही सकते हैं. तो उन बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा जिन्होंने स्टार्टिंग में कुछ भी छोड़ा है और उनका कुछ भी मिसिंग हो गया है स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर, तो ये वो कंटिन्यू कर सकेंगे इस बार. ओके, सो अगर आपको कुछ छोटा है तो बी पेशेंस, आपको सारा कुछ अब दोबारा मिलने वाला है क्योंकि बुक तो खत्म हो रहा है, तो चैप्टर 1 से ही पढ़ाई अब दोबारा स्टार्ट होने वाली है. सो बी रेडी फॉर दिस. और अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया है तो पढ़ाई को सीरियसली ले लो और सारे काम ढंग से करो. So let's start with the question number D, which where we have left. Okay, यहाँ पे हम लोग भूल गए थे. Fill in the blanks with has or have. Okay, so let's see what kind of questions we have in this.
Gallop. We fly. Names of the animals to their movements. So, कौन जानवर कैसे वर्क करता है, काम करता है, क्या करता है, उस चीज को, उसके मूवमेंट्स को हमें उस एनिमल से मैच करना है. यहाँ पे लुक डक. तो डक है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है. What is the movement of duck? Duck swims. फर्स्ट ऑफ ऑल डक इज अ वाटर एनिमल, वाटर बर्ड. वो एक ऐसा पक्षी जो पानी में रहता है और उड़ता भी, वो ज़्यादा कुछ उड़ नहीं सकता, वो नीचे लेवल पे ही उड़ता है, मीडियम लेवल तक, और वहीं से उड़ के एक पॉइंट से दो पॉइंट ऐसे ऐसे चलता है टाइप के बर्तक. सो जो बर्तक है वो एक जगह से दूसरी जगह मोस्टली स्विम करके, यानी कि तैर कर जाता है, क्योंकि वो वाटर है, वाटर बर्ड है, दैट्स व्हाई. सो व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ द स्विम. रैबिट एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है. सो रैबिट हॉप्स, हॉर्सेस गैलप, स्नेल्स क्रॉल, बीज, दिस आर द मूवमेंट्स एंड आई विल एक्सप्लेन दिस लेटर.